हरिः ओम्। प्रथमः स्कन्दः नवमोऽध्यायः पञ्चदशतमः श्लोकः। यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः कृष्णो स्त्रीगण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपात् सुहृत्कृष्णस्ततो विपात्। यत्र स्वयं धर्मसुतः युधिष्ठिरः राजा, यत्र च स्वयं गदापाणिः वृकोदरः, अर्थात् पाणौ गदा, यस्य सः गदापाणिः वृकोदरः भीमः, यत्र स्वयं कृष्णः साक्षात्, यत्र च गाण्डीवं धृतं येन सः गाण्डीवधृक् अर्जुनः, सख्यत्वं स्वयं कृष्णस्य च, एतादृशी यत्र महत्ता, यथा स्वयं महेशः स्वसुरो नगेशः सखा धनेशः तनयोर्गणेशः, तथा विभिक्षा तनमेव शम्भोः बलिर्यसी केवलम् ईश्वरेच्छा। बस यही हाल यहाँ पर भी तो है, जहाँ स्वयं धर्मपुत्र अर्थात युधिष्ठिर महाराज स्वयं हो, और युधिष्ठिर महाराज वो राजा के रूप में हो, गदापाणी वृकोदर हो, गदाधारी भीमसेन भैया हो, और धनुर्धारी अर्जुन जी वो स्वयं वो रक्षणम करोति, रक्षा करते हो। अरे इससे भी आगे स्वयं गांडीव धनुष हो, और गांडीवधारी के साथ सखा के रूप में स्वयं श्री कृष्ण स्वयं हो, फिर भी विपत्ति आश्चर्य है। लेकिन कालस्य इयं गति ही, और काल की गति हो, वहाँ हमेशा चिंतन एक ही करना है कि हरि का शरण वही मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि सर्वम काल कृतम मन्ये, और यह भाव रखते हुए सही में ये होता है, क्योंकि परम कृपालु परमात्मा ही तो सब की रक्षा करते हैं, सब क्या चिंतन करते हैं, फिर भी हमें धैर्यता को हमेशा के लिए बनाए रखना है, क्योंकि सर्वम काल कृतम मन्ये, विपत आ ही नहीं सकती है, फिर भी यदि है तो वो काल की गति है, समझना चाहिए। यह कहते हुए भगवान का स्मरण करते हुए आगे के श्लोक में देखेंगे। हरि शरणम हरि शरणम मम हरि शरणम।